नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा भारत अपनी आज़ादी के पहले कैसा था, उस समय का ग्रामीण जीवन कैसा था और लोगों का रहन सहन खान पान कैसा था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही रोचक वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज़ादी से पहले भी भारत एक कृषि प्रधान देश था और ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय खेती था। किसान मुख्यतः पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, जिसमें बैल और हल का उपयोग होता था। फसलें जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और दालें उगाई जाती थीं। खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थी, जिससे अकाल और बाढ़ जैसी समस्याएँ अक्सर होती थीं। गाँव की सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी जातियाँ थीं और उनके अपने अपने कार्य निर्धारित थे। जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक भेदभाव भी था, लेकिन एक साथ रहने की भावना भी प्रबल थी। पंचायत व्यवस्था के माध्यम से गाँव का प्रबंधन होता था। बात करें उस समय की शिक्षा की तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अधिकांश लोग निरक्षर थे और केवल कुछ ही लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती थी। पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली कहीं कहीं प्रचलित थी, जहां धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों के शासन के बाद कुछ मिशनरी स्कूल भी खुलने लगे, लेकिन इनकी संख्या सीमित थी। उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी और लोग आयुर्वेद, यूनानी और घरेलू उपचारों पर निर्भर थे। गाँव में अस्पताल और डॉक्टर नहीं थे, जिससे छोटी मोटी बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती थी। दाइयां प्रसव के समय महिलाओं की मदद करती थीं, लेकिन जच्चा बच्चा मृत्यु दर बहुत अधिक थी। दोस्तों, उस समय ग्रामीण भारत का सांस्कृतिक जीवन समृद्ध था। हर गांव में विभिन्न त्योहारों, मेले और धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता था। होली, दिवाली, मकर संक्रांति और बैसाखी जैसे त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाते थे। लोकगीत, लोक नृत्य और नाटक ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। महिलाएँ भी इन गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थीं। उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, लेकिन हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग भी महत्वपूर्ण थे। कुम्हार, बढ़ई, लोहार और बुनकर जैसी जातियां अपने अपने कार्यों में माहिर थीं और ग्रामीण समाज को आवश्यक वस्त्र और उपकरण प्रदान करती थीं। अंग्रेजों के आगमन के बाद कर और लगान के बोझ से किसान दब गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। बात करें परिवहन के साधनों की तो उस समय परिवहन के साधन बहुत सीमित थे। लोग मुख्यतः पैदल चलते थे या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। गाँव के बीच संपर्क साधन बहुत कम थे और संचार के लिए चिट्ठियों और संदेश वाहकों का सहारा लिया जाता था। सड़कों की हालत खराब थी और बरसात के मौसम में गाँव का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता था। ग्रामीण भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नमक सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, यह था एक संक्षिप्त विवरण आज़ादी के पहले के ग्रामीण भारत का। हमारे गांव का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी उसमें एक सरलता और सादगी थी। हमें अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए और अपने गाँव की प्रगति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।